इससे पहले हमने ये लिया था क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑन 5 जन 2016। तो इसका ही सोल्यूशन है, जिसने नहीं लिखा हो तो ये लिख लीजिए, तब तक ये लिंक शेयर कर देते हैं। हमारे पास अनदर क्वेश्चन है, उसे लेते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? बोलिए क्वेश्चन क्या था। हाँ क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, ऑन 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 2015, अगर इसको, क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलिए। ऑन 8 दिसंबर 2015 सैटरडे सैटरडे फॉल्स, फॉल्स देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन ऑन 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2014 2015, 14। तो 15 की डेट दी गई और बताना है 14 में क्या होगी। तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, इसकी डेट होगी सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे। सिंपली बी वी डेट है, फ्राइडे डेट होगी। एक तो ये निकाल सकता है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर का हम ये 8 लेंगे। पहले इसे कैलकुलेट करना है कि इसके हिसाब से सैटरडे आ रहा है, तो 8 प्लस दिसंबर का कोड 5, 5 प्लस 15, 115 ये 108 हमने लिया, और 115 का क्वेश्चन क्या निकला हमारे पास सॉल्व करने पर, 28 ये निकला, 28। और ये टोटल क्या हो गया, 156 156। अब 156 को हमने डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, क्वेश्चन ऐसे रिमाइंडर निकाला 115 को 4 से डिवाइड करके, मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो उसका क्वेश्चन लिया और यहाँ से हम रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर क्या आया इसका, 2 आया। अब आप ये बताइए 2 के हिसाब से क्या डेट डे था सैटरडे ट्यूसडे हमारे पास। देखिए ये लिस्ट है, अभी हम लिस्ट के तरफ से लेंगे। 2 के हिसाब से आपके पास क्या कोड क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे अब ये ट्यूसडे आपके पास है, इस एक्चुअल डेट, ये नोट्स ऐसे बनेंगे, एक्चुअल डेट, बट इन क्वेश्चन इट वाज कितना था, सैटरडे, सैटरडे विच इज कोड 6, उसका कोड 6 है। अब हम यहां करेंगे क्या करेंगे, 10 वी हैव टू डिडक्ट और रिजल्ट डेट, रिजल्ट कोड फ्रॉम गिवन कोड, और वो है 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मिला हमारे पास 4। दस वी हैव टू इंक्रीज 4 डेज और हैव टू एड
4 days in our result date in क्या डेट थी? 8 दिसंबर थी ना, 8 दिसंबर 2014। अब 2014 को कैलकुलेट करके देखिए क्या डेट आ रही थी। 14 के हिसाब से अगर यहाँ पर 4 मिला तो हमारे पास क्या फर्क है? सिर्फ कि कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या कैलकुलेशन गलत मतलब कम हो रहा है, 115 की जगह पे 4 हो रहा है, तो 156 की जगह पे क्या होगा? 5 होगा। और 155 को जब डिवाइड किया गया 7 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है? वन मिल रहा है। और वन तो एस ये हमने यहाँ पर इसको डाल देंगे कंडीशन वन। तो नाउ एस पर कंडीशन वन अबव वी हैव टू काउंट 4 days extra in one, thus one is one कितना है? one का Monday, one plus 4 is equals to 5। अब and code of 5 is what? Friday। तो एग्जैक्टली आपको इतना कैलकुलेशन में नहीं आना, ये हमें समझने के लिए था। आपको वहां पर सैटरडे दे देगा, वहां पर आपने सिर्फ एक डिजिट का कम था, तो एक डिजिट के हिसाब से रिमाइंडर कैलकुलेशन सब सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका सैटरडे आ रहा है तो आपको डायरेक्टली लेना देना है वहां पर फ्राइडे, डायरेक्टली क्वेश्चन में देख कर आपका हाफ सेकेंड में ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपका सारा कैलकुलेशन सही रहेगा। अगर यहाँ पर 13 होता तो क्या करते थे आप? कौन सा कोड लेते थे? 13 अगर 13 होता था, दो तीन क्यों? सिर्फ 2 माइनस, मतलब ये सैटरडे है, पिछला क्या है फ्राइडे, और उससे पहले थर्सडे, तो 100% थर्सडे। इस तरह से तो ये इस तरह से आप कोड ले सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभार लीप ईयर में डेज हो सकते हैं, तो उसे एक मरतबा, हाँ लीप ईयर ना होने की वजह से ये चीज एक हो गई। 2014 लीप ईयर है या नहीं ये कैलकुलेट कीजिए, नहीं है हाँ, तो वो भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि लीप ईयर में डेज हो सकता है। तो अगर वो डेट अगर उसकी जैसे जनवरी फरवरी की आएंगी तो उसमें वो एडिशन देखना पड़ सकता है, तो उसका ख्याल रखना होगा बस। बाकी अगर वो नॉर्मल ईयर से दो तो उसका कैलकुलेशन आप क्विकली निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से ये अनदर टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये इसको लिख लीजिए जी, हाँ एज पर कंडीशन वन। सीटेट की भी आंसर की इसको आ गई है शायद, सीटेट का जिन्होंने एग्जाम दिए थे। आप भी लिख लीजिए। तो अगर ऐसी गिवन डेट है और अगर सेम क्वेश्चन अराइज होता है या नॉर्मल नॉर्मल ईयर का होता है तो आपको एग्जैक्टली वो डेट ले लेना है अगर ऑप्शंस में है अवेलेबल। नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर इनके पास भी क्या आया है? सैटरडे अगर ये था या वर्षी माझा पगार वाढवला ना, सेकंड
आंसर क्या बन जाएगा? फ्राइडे बन जाएगा। वेरी गुड रमनदीप सिंह जी। अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज संडे ऑन 1st August 2004। वॉट वॉज इट इन 2003। अब ये क्वेश्चन है कि अगर संडे था 1st August 2004 में, तो ये आप इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? लीप ईयर कौन सा है? 2004। लेकिन 2004 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के साथ 2003 का क्या डे होगा? तो फिर इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो अब देख लेंगे कि लीप ईयर के हिसाब से हो सकता है या नहीं। इसको कैलकुलेट पहले करके देख लीजिए कि संडे आ रहा था या नहीं। लेकिन इसका सॉल्यूशन के हिसाब से इसको होमवर्क में रख लीजिए, उसके आगे का कंसेप्ट एक ले लें। लीप ईयर में अगर 1st August 2004 को संडे था, तो आपको इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम बता देते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है और कैलेंडर में ओपन करके देखना है उसकी डेट कि क्या आ रही थी, मतलब 1st August 2003 को क्या डेट है। तो अगर वो सैटरडे है तो आपकी सीरीज सही रहेगी, और अगर वो फ्राइडे है तो ड्यू टू लीप ईयर ये सिर्फ 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अभी इसे कैलेंडर में देख लेंगे। आपके मोबाइल से कैलेंडर में जाइए, तो उसकी थी फ्राइडे। तो ये देखिए 3 अगस्त 2003 की फ्राइडे थी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लीप ईयर एक एक्स्ट्रा हो गया था अकाउंट। तो आपको ऐसे केस में जो हमने बात की थी, तो 2 बिफोर ले लेना है सिंपली, क्वेश्चन देखकर ही। संडे, संडे से पहले क्या सैटरडे। अगर नॉर्मल ईयर होता तो 100% सैटरडे, लेकिन ये लीप ईयर था जिसके अंदर फेब्रुअरी काउंटिंग में बैक में, अगर ये जनवरी में होता था तो लीप ईयर होने के बावजूद ये सैटरडे ही होता था, क्योंकि फेब्रुअरी काउंटिंग में नहीं आया एक्स्ट्रा डे। फेब्रुअरी 29 काउंटिंग में आने की वजह से ये हो गया 2 डेज बिफोर, तो ये हो जाएगा फ्राइडे। तो ये दोनों तरफ के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का हमारे पास कंसेप्ट है कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, उसका ये फॉर्मूला है नॉर्मल ईयर प्लस 11, उसमें ऐड करना है। अगर आपको नॉर्मल ईयर मिल रहा है तो वो कैलेंडर नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 करते हैं और नॉर्मल ईयर ही मिल रहा है आपको, तो कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर है आपके पास 2017 में अगर आपने ऐड किया, ये क्या है नॉर्मल ईयर है 2017, इसमें आपने 11 ऐड कर दिया, तो 11 ऐड करने पे क्या मिला 2028। तो क्या 2028 लीप ईयर है? देखिए है लीप ईयर। तो अगर ये मिलता है तो कैलेंडर इसका रिपीट होगा, लीप ईयर होगा। हाँ रिपीट होगा, नॉर्मल तो रिपीट नहीं होगा। हाँ अगर नॉर्मल ही मिल रहा है तो रिपीट नहीं होगा, और अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको 6 से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे 2017 प्लस 6, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। जैसे देखिए अगर मान लो अभी 2023 चल, इसमें हमने 11 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, इसमें 11 ऐड किया
इलेवन ऐड करने के बाद फोर बना थ्री बना जीरो टू, टू जीरो थ्री फोर, फोर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं, इसका मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट, 2017 का कैलेंडर 28 में रिपीट नहीं होगा। प्लस मतलब इसको स्क्रीन दूसरी शेयर करके बताते हैं नए कंसेप्ट में। कैलेंडर रिपीट कंसेप्ट, मतलब ये लिखना है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी सेम डेट्स उसके पूरे सेम रहेंगे, सारे पूरा कैलेंडर सेम रहेगा, सिर्फ डिजिट्स अलग रहेंगे। व्हेन विल कैलेंडर रिपीट, हमारे पास एक है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर इसमें अगर आप ऐड करते हैं 11 इज इक्वल टू, इफ रिजल्ट comes leap year then calendar will be repeated, we repeat in that year। तो calendar जो है तो इसमें repeated हो जाएगा उस year में, और अगर if it doesn't falls leap year we have to add, हमें उसमें जमा करना होगा 6, we have to add 6 in it। then it will be 100% रिपीट। एग्जाम्पल 2017 प्लस 11 इज इक्वल टू 2028 एंड 2020 एंड इट इज लीप ईयर, दस कैलेंडर विल बी रिपीट। If 2023 plus 11 is equals to 2000, how many? 34. And ये 2034 है क्या leap year? Is not a leap year. Leap year. Then we have to add 6 in it, example 2023 plus 6, how many? 2029, 2029 leap year है? नहीं, तो वेदर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट और नॉर्मल ईयर, कैलेंडर विल 100% रिपीट इन दिस केस। मतलब फिर अगर 11 से नहीं मिलता तो 6 ऐड करने पे 100% रिपीट होगा। और एक बार 6 ऐड करेंगे? नो, 11 से चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पे 2023 है, इसमें आपने 11 चेक किया, लीप ईयर नहीं मिला, तो लीप ईयर मतलब 2034 में ये रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें लिखा है 6 ऐड कर दिया सिर्फ, तो 29 भले ही वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो,
11 चेक करने पे अगर लीप ईयर नहीं है तो 6 में 100% कैलेंडर रिपीट होंगे, ये कंडीशन है। लीप ईयर सिर्फ किस में चेक नाइनटीन करेंगे? 11 में ऐसे। और अगर वो नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, वो कैलेंडर 6 ऐड करने पर 100% रिपीट होंगे आफ्टर 6 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है कि लीप ईयर के केस में, ये तो नॉर्मल ईयर की बात थी, नॉर्मल ईयर प्लस 11 किया गया था, बट थर्ड पॉइंट इसका ये है, इन एवरी लीप ईयर, लीप ईयर इफ वी एड 24 इन इट, 28 था ना, हाँ 28 इन इट, दैट कैलेंडर विल 100% रिपीट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 2016 लेना है, 16 प्लस 24, 2016 प्लस 28 इज इक्वल टू 2044 एंड दैट मीन्स 2016 कैलेंडर विल रिपीट इन 2044। इस तरह का कंसेप्ट है ये, जिसको हम एक मरतबा और अच्छे से समझ लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा याद दहानी के तौर पे। शुक्ला जी, अगर आप लेट, इसका मतलब जैसे अगर हम मान ले 2016 का जो कैलेंडर है और 2017 मान लेते हैं और एक तरफ 2015 मान लेते हैं, अब आपको पता है कि नॉर्मल ईयर इसमें से 2016 क्या है, 2016 एक लीप ईयर है, क्लियर, ये 4 से डिविजिबल है और सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके, तो इसको अभी अलग रखते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, 15 और 17, करेंट ईयर 17 चल रहा है, ये सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात की जा रही है, अभी लीप ईयर उसको नहीं लेना है। तो 17 का कैलेंडर कब रिपीट होगा इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए नॉर्मल ईयर है ये 2017, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं, इसमें आप 11 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 8 नॉर्मल ईयर को में 11 ऐड करने पर अगर नॉर्मल ईयर मिलता है तब तो ठीक है, तब तो रिपीट करेगा, पर यहां पे आप देखो टू था रिपीट कर लेगा अगर नॉर्मल मिलता है, नॉर्मल ईयर प्लस 11 इज इक्वल टू नॉर्मल, इट विल रिपीट।
एंड नॉर्मल ईयर प्लस 11 इज इक्वल टू इफ लीप ईयर कम्स इट विल नॉट रिपीट दस वी हैव टू ऐड 6 इन नॉर्मल ईयर अगेन एंड कैलकुलेशन ऑफ दैट ईयर इज लीप ईयर रिपीट ईयर रिपीट कैलेंडर ईयर 2017 नॉर्मल ईयर था और इसमें 11 ऐड करने के बाद ये 2018 बन रहा है जो कि एक लीप ईयर है। इन्होंने 18 बोल सिलेबस दिया पर 28 इसका मतलब इस रूल का वायलेशन है। तो अब क्या कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि इसमें नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर मिलने लगा, अगर नॉर्मल ईयर नहीं मिला तो इसका मतलब उस साल उसका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब अब इस 2017 के कैलेंडर में ये 2028 वाला रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये करेगा क्या, अब आपको इसमें प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इस साल का जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा, 17 में आपको 6 ऐड कर देना है 2023। इस ईयर 2017 का कैलेंडर रिपीट करेगा। वापस मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है। ओके आयुष गुप्ता जी, वो आगे की बात आप कर रहे हैं उसके मल्टीपल में जाते हैं। अब जैसे 2023 है उसमें फिर 11 ऐड कर दीजिए तो 2034, और वो लीप ईयर नहीं है इसका मतलब वो वहां पे रिपीट। जैसे देखिए अगर मान लो अभी 2023 चल, अब इसको कंटिन्यू कर लिया गया कि 2023 है, मतलब यहाँ नहीं मिला तो 6 कर लिया गया, लेकिन अब 6 मिलने के बाद रिजल्ट को 6 नहीं करेंगे, उसको 11 से ही चेक करना होगा फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर ये 11 से आपने रिपीट किया 11 गया, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, इसमें 11 ऐड किया और 11 ऐड करने के बाद 4 बना 3 बना 02, 2034 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट, 2017 का कैलेंडर 28 में रिपीट नहीं होगा, प्लस 11 होगा। 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। क्यों, ध्यान रखिएगा एक बार वापस रिपीट कर दे रहे, नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड करते हैं और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल ईयर ही मिलता है तो रिपीट वाला ईयर वही होगा, लेकिन नॉर्मल ईयर पे में अगर 11 ऐड करने के बाद वो नॉर्मल ईयर नहीं मिलता, मतलब वो जो ईयर है वो मिलता है एक लीप ईयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में 11 ऐड करने पे 2028 जो कि एक लीप ईयर है वो बन रहा है। इसका मतलब ये रिपीटेशन वाला ईयर 2017 कैलेंडर का नहीं है। तो कौन सा है, अब उस कंडीशन में 2017 या जो दिया हुआ है उसमें 11 ना ऐड करके आपको कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं 11 ऐड 23 में बात करें जो कि हाँ 23 में रिपीट होगा, 23 में रिपीट होगा जी, और उसके बाद लीप ईयर को सिंपली 28 कर देना है, लीप इसमें ईयर कोई है, एडिशन नहीं है, सबको तो लीप ईयर मिलेगा कुछ सीखने को इसमें, मिला होगा। और इसमें लीप ईयर हो जो भी लीप ईयर हो, फॉर एवरी लीप ईयर वी हैव टू ऐड 28 इन इट एंड रिजल्ट विल बी रिपीटेड कैलेंडर ऑफ दैट ईयर, पहले वाले को जो हमने लिया था 2016 प्लस 28 इज इक्वल टू 2044, तो 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा। तो ये क्लास हो गई है, आपको लेने भी आ गए हैं, तो अभी यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं।